राधे राधे दोस्तों, मैं अर्चना सक्सेना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ आप सभी की अपने चैनल घर की रसोई में। दोस्तों, ये मेरे पास एक केक का ऑर्डर आया था जो कि वनीला फ्लेवर में था। ये उसका मैंने स्पॉन्ज बनाकर तैयार कर लिया था ताकि आप लोगों के साथ जब मैं वीडियो शेयर करूँ तो वो लंबी ना हो और आप लोग भी सीख सकें मेरे साथ। तो ये मैं डेकोरेशन केक की आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग बताइएगा कि जैसी मेरे पास फ़ोटो आई थी बिल्कुल वैसी ही बनी है कि नहीं। तो ये मेरे पास चेरी का क्रश था जो मैंने घर पर ही तैयार किया था, चेरी का क्रश। और ये मैंने पानी में चेरी के क्रश को घोल लिया था। तो इस तरह से हम अपने केक को सोक कर देंगे, उसके बाद क्रीम लगा के फिर से चेरी का क्रश अप्लाई करेंगे और अपने केक को क्रम कोट करेंगे हम। तो ये इस तरह से मैंने क्रीम अप्लाई कर दी। अब ये देखिए दोस्तों, चेरी का क्रश घर पर ही तैयार किया था तो वनीला फ्लेवर में चेरी का क्रश बहुत अच्छा लगता है और जितना भी टेस्ट आप अपनी तरफ से दे पाओ, जो भी आप चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, जो भी आप लोग क्रश जो भी आप लोग टेस्ट दे पाए अच्छे से अच्छा, तो आप दे सकते हैं। चेरी का क्रश भी अच्छा होता है। मेरे पास रिव्यू भी आया था केक का दोस्तों, कि केक उनको बहुत पसंद आया, बच्चे का जन्मदिन था। जो मेरे पास फ़ोटो आई थी वो काफ़ी बड़े केक की आई थी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं उससे भी अच्छा केक बनाकर तैयार करूं। तो आप लोग प्लीज़ फ़ोटो देखकर ज़रूर बताइएगा कि मैंने किस तरह से केक को तैयार किया है। तो पूरी कॉपी करने की कोशिश मैंने करी थी लेकिन मैंने बनाया नहीं, क्योंकि अगर हम पूरी कॉपी कर देते तो अच्छा नहीं लगता, तो उसमें हमारा अपना कुछ नहीं रह जाता। इसलिए मैंने अपना भी उसमें कुछ फिनिशिंग दी है। तो आप लोग देख के बताइएगा कि वो जो मेरी कोशिश है आप लोगों को कैसी लग रही है। तो ये मैंने केक को क्रम कोट कर दिया, इसके बाद हम इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि क्रीम हमारी सेट हो जाए। और गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है तो ये मैंने इस बोर्ड पे से दूसरे बोर्ड पर केक को शिफ्ट कर दिया इस तरह से। कोई बात नहीं, ये जो हमारी केक बोर्ड की पन्नी हट गई इसको मैंने बाद में सही कर दिया था। और अब हम केक पर क्रीम अप्लाई करेंगे ताकि जो हमारा केक है उसकी हम अच्छे से फिनिशिंग दे सकें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आप लोगों को केक की डेकोरेशन कैसी लगी। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखिए मेरे साथ दोस्तों, ताकि मैं और अच्छा कुछ आप लोगों के साथ करने की कोशिश करूँ, आप लोगों को कुछ नया दिखाऊं, अपनी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा मेरी फैमिली को बड़ा करिए दोस्तों। तो ये देखिए, इस तरह से हम अपने केक को फिनिशिंग देंगे, कितना भी टाइम लगे लेकिन फिनिशिंग हमको प्रॉपर देनी है। इस तरह से कभी स्पैचुला से, कभी स्क्रबर से क्रीम जहाँ जहाँ कम है वहाँ वहाँ क्रीम लगाकर हम केक पर फिनिशिंग दे देंगे। ये देखिए, ये मेरे केक पर फिनिशिंग हो गई है। और ये जो नीचे बोर्ड पर क्रीम लगी हुई थी इसको हम हटा देंगे। ये मेरे पास सिल्वर लस्टर डस्ट है दोस्तों, इस पर हम केक पर स्प्रे करेंगे। इससे हमारे केक पर शाइनिंग बहुत अच्छी आ जाएगी।
ये देखिए इस तरह से काफ़ी अच्छी शाइनिंग आती है दोस्तों इस स्प्रे करने से। ये देखिए आप लोग भी देख पा रहे होंगे चारों तरफ से ये सितारे जैसे उड़ते हुए। इस नोजल का कोई नंबर नहीं है दोस्तों, तो ये मैंने पॉइंट पॉइंट बना करके नीचे से एक केक को अपना ही लुक दे दिया। और ये जो छोटे छोटे फ्लावर हैं रोज़ फ्लावर, ये जो नोजल है इसका कोई नंबर नहीं है, तो उस पर भी इसी तरह से बने हुए थे, तो मैंने भी उसी तरह से फ्लावर बनाने की कोशिश करी है। और फिर से सिल्वर लस्टर डस्ट का स्प्रे कर दिया है दोस्तों। ये मेरे पास गोल्डन बॉल्स हैं और ये फेक बॉल्स हैं बड़ी वाली, जो हम खा नहीं सकते हैं। तो ये इस तरह से केक, वो जो फ़ोटो भेजी थी मेरे पास जिन्होंने केक बनवाया था, तो उस पर भी इसी तरह से बॉल्स लगी हुई थी, तो मैंने भी लगाने की पूरी कोशिश करी है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों कि आप लोगों को मेरी ये मेहनत कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चपाक मल्ले वो चपाक।